नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी बहस का वक्त हो गया है आज, फिर हिंदुस्तान सिर्फ सुनेगा नहीं, सुशांत मामले में बोलेगा कि क्या रिया झूठी है या सच्ची है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सबकी निगाह इस बात पर थी कि रिया कंपनी पर शिकंजा किस दिन कसेगी सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज सीबीआई की जांच का आठवां दिन, और जांच के आठवें दिन सीबीआई ने इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला लिया। इससे पहले गुरुवार को सीबीआई ने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से 14 घंटे पूछताछ की थी। गुरुवार को ही रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से ईडी ने भी पूछताछ की। गुरुवार को ही रिया ने मीडिया में इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने खुद को पाक साफ और सुशांत को नशा करने वाला बताया। रिया ने यह बताया था कि सुशांत के अपने परिवार से रिश्ते अच्छे नहीं थे, यानी पूरी तरह खुद को निर्दोष और सुशांत को दोषी बताने से पीछे नहीं हटी रिया। लेकिन सवाल लगातार ये बरकरार है कि रिया ने कितना झूठ और कितना सच बोला है। आज इसी पर पूरा हिंदुस्तान अपनी बात सीधे हमसे जुड़कर रखेगा। पहले रिपोर्ट, फिर होगी बड़ी बहस। सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती का आज सीबीआई से सामना हो रहा है। समन मिलने के बाद आज सुबह 10:30 बजे रिया मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची, जहां सीबीआई की टीम उससे पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती के अलावा सीबीआई आज रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के कुक नीरज, सुशांत के कुक केशव, सीए संदीप श्रीधर और सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछेगी, आप घर छोड़कर कब और क्यों गईं? सुशांत के अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर हुए? क्या आप सुशांत को दवा देती थी? सुशांत सिंह क्या डिप्रेशन में थे? क्या आप पोस्टमार्टम हाउस में गई थी? महेश भट्ट से क्या क्या जानकारी शेयर करती थी? सुशांत के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? सीबीआई के सवालों के जवाब देने से पहले रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि सुशांत मानसिक रूप से बीमार और वो सुशांत का पूरा ख्याल रखती थी। रिया ने खुद को बेकसूर बताते हुए सुशांत को नशे का आदि साबित करने की कोशिश की। रिया ने कहा, सुशांत मोडाफिनिल नाम की दवा लेते थे, मैं हमेशा सुशांत को ड्रग्स लेने से रोकती थी। सुशांत 2013 में साइकेट्रिस्ट से मिले थे। सुशांत के परिवार से मेरे रिश्ते खास नहीं थे। वो 17 करोड़ कहाँ हैं जो मेरे अकाउंट में दिखने चाहिए? आखिरी बार सुशांत को देखने मॉर्चुरी गई, वहां सॉरी बोला। मैं किसी हार्ड ड्राइव के बारे में नहीं जानती। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है, आज सीबीआई पूछताछ कर रही है और जल्द ही ड्रग्स चैट को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी उससे पूछताछ करेगी, और जल्द ही ड्रग्स चैट को लेकर एनसीबी भी उससे पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय, उसके बाद बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। संजय गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, एपी सिंह जी पूर्व सीबीआई निदेशक हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ी देर में सुनील शुक्ला जो कि सुशांत के बेहद करीबी दोस्त रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चांदनी शाह एडवोकेट हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे सहयोगी सुमित लगातार पिछले कई दिनों से मुंबई में है, जब से सीबीआई वहां पर पहुंची है पल-पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। सबसे पहले सुमित, आपके पास आते हुए इस वक्त की अपडेट आपसे चाहूंगी। 10:30 बजे से रिया लगातार डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है, सीबीआई पूछताछ कर रही है, कोई खास अपडेट जो आपके पास पहुंची हो जल्दी से बताइएगा। देखिए 10:40 पर रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची थी और 11:15 बजे उनसे पूछताछ शुरू हो गई थी। करीब 2.25 घंटे से लगातार पूछताछ सीबीआई इस पूरे मसले पर कर रही है। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की जो 3 टीमें हैं वो इस मसले पर जांच कर रही है। जो पहली टीम है वो सीबीआई की एसपी हैं निपुर प्रसाद, वो रिया चक्रवर्ती से अलग से पूछताछ कर रही हैं, और जो दूसरी टीम है वो नीरज सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही हैं, और जो तीसरी टीम है वो रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही हैं। तो 3 टीमें जो हैं लगातार 2.25 घंटे से पूछताछ कर रही हैं। आप देख सकती हैं इस वक्त हम डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं और काफ़ी गहमा गहमी का माहौल यहाँ सुबह से ही बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार
सीबीआई जो है इस पूरे मसले पर पूछताछ कर रही है। 24 से अधिक सवाल सीबीआई ने जो तैयार किए हैं उसमें से बारी बारी से सीबीआई पूछ रही है। सबसे पहला सवाल सीबीआई का यही था जो सीबीआई सोर्सेज हमें अंदर से बता रहे हैं कि यही सवाल था कि आखिरकार सुशांत से आप कब कहाँ मिली और इस पूरे मसले पर आपने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद आपने सुशांत का मोबाइल नंबर आखिरकार क्यों ब्लॉक किया। ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछ रही है। और सबसे अहम बात है कि जो नया ड्रग कनेक्शन आया था उसमें से भी 2 अहम सवाल जो हैं वो सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछे हैं, जिसमें पहला सवाल यही है कि आपने साइमन मरिंडा से जो है आपने डेबिट कार्ड का नंबर आखिरकार कब लिया था और इसकी जानकारी सुशांत को थी या नहीं। और दूसरा सबसे अहम बात ये है कि आखिरकार सीबीडी ऑयल जो है आपने सुशांत के कॉफ़ी और चाय में जो मिलाया था क्या इसकी जानकारी सुशांत को थी या नहीं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई इस वक्त ले रही है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लगातार 11:15 बजे से जो है सीबीआई इस पूरे केस में पूछताछ कर रही है। और मैं आपको बता दूँ कि दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो भी एक्शन में है। मुंबई दिल्ली से मुंबई की में जो टीम पहुंची है वो लगातार बैठक कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि डायरेक्ट एविडेंस जो है वो एनबीसी के पास है। तो ऐसे में सीबीआई बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप देखिए सीबीआई के सवालों का जवाब रिया दे रही है लेकिन इसके बाद एनसीबी की निगाह है, हो सकता है कि आज ही तलब करे, हो सकता है कि तमाम ऐसे सवाल जिनका जवाब लेना होगा तो जाहिर है कि एनसीबी की तो गिरफ्तारी भी एनसीबी कर सकती है, उससे पहले सीबीआई गिरफ्तारी करेगी या नहीं इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि जो सवाल हो रहे हैं उनमें जवाब क्या निकल कर सामने आते हैं। देश के तमाम हिस्सों से इस वक्त कुछ दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके सवाल में लूंगी, आपकी प्रतिक्रियाएं लूंगी। हिंदुस्तान आज बोलेगा रिया के झूठ या सच पर, उनकी सोच क्या है, वो कैसे देख रहे हैं, क्या सच बोल रही है या बहुत कुछ छुपा रही है रिया, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एपी सिंह जी आपके पास आते हुए सर में समझना चाहूंगी। देखिए सीबीआई ने आज रिया को बुलाया है, कल भी उनके पिता और भाई से पूछताछ हुई। सर मैं समझना चाहूंगी कि इस पूरे मामले को, सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया, उसके बाद नशे का जो ड्रग का मामला सामने आया, ड्रग्स लिए जा रहे थे, रिया खुद कबूल रही है कि हाँ ड्रग्स लेते थे या देते थे ये तो बाद की बात है। सवाल ये कि सर अब किस एंगल पर आगे क्या कुछ सवाल रिया से हो सकते हैं, क्या वो कबूल सकती है, क्या खुलासे हो सकते हैं। मैं चाहूंगी कि जरा सीबीआई की जांच शुरुआत में ऐसे आरोपियों से कैसे होती है जरा समझाइएगा सर। देखिए जी वो एफआईआर जो हुआ है जो सेक्शन ऑफ लॉ इस्तेमाल हुए हैं उसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, जबरदस्ती बंद किया गया, थेफ्ट है, चोरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कोई आपका पैसा लेके आपने किसी को दे दिया और उसने हड़प, चीटिंग मतलब कि आपने के बैंक अकाउंट से आपने पैसा लगा डाल दिया, और अबेटमेंट टू सुसाइड। तो अबेटमेंट टू सुसाइड तो अभी तक ऐसा लाइट में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली लोगों का हाथ अबेटमेंट में सुसाइड में है, पर वो जैसे मैंने बोला ये फॉरेंसिक जब कंप्लीट होएगा तब पता चलेगा कोई अबेटमेंट। जो अब हो गया सर्कमस्टांस, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, तो इसलिए जो भी लोग उस समय घर में थे वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनसे पूछताछ बड़ी गहराई से होगी। और फिर रिया चक्रवर्ती को रही 1 साल उनके साथ सर्कमस्टांस जान, जो मैंने अभी तक आपके चैनल जी में देखा है कि एक तो फिसरा रिपोर्ट आ गया है कोई ड्रग नहीं थे, फिसरा रिपोर्ट जांच से ग्रास्ट, तो उसका मतलब है कि जो एनसी जांच करेगी वो डायरेक्ट कनेक्टेड। सर जो आपने बात कही मैं इसी पर लौटूंगी कि देखिए निश्चित तौर पर अगर इस बात को कबूल कर लिया है खुद रिया ने कि सुशांत ड्रग्स लेते थे तो सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े होते हैं ना कि क्या सुशांत के शरीर में ड्रग्स के अंश थे कि नहीं थे, और अगर थे तो इस बात को क्यों छुपाया गया, रिया ड्रग्स मंगाती थी या उसको क्या करती थी, ये बात का सवाल इस पर लौटूंगी सर मैं, इसका जवाब सर मैं लूंगी आपसे। लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से कुछ दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि उनकी आवाज भी एक बार हम लें, उनके सवाल लें, उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, सीधे मैं चलती हूँ देश की आवाज, तमाम दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले चांदनी में आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी कहां से आप बात कर रही है, क्या सवाल है, और सबसे बड़ी बात
रिया की सच्चाई या फिर ये झूठ, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी नमस्ते, जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जिसका भी नाम अनाउंस करूं कोशिश करिए कि बाकी लोग खुद को म्यूट रखें और सिर्फ वही शख्स बोले, क्योंकि बेहतर होगा कि उसकी आवाज, उसका संपर्क बहुत अच्छे से हो पाएगा। चांदनी अपनी बात रखिए। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे? चलिए श्रुति के पास मैं पहुंचूंगी। श्रुति, क्या कुछ कहना है आपका? श्रुति, आवाज मिल रही है आपको? आप कहां से बात कर रही हैं और इस पूरे मामले पर क्या अपनी बात रखना चाहती हैं? बोलिए, अनम्यूट करिए पहले खुद को, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी श्रुति, आपकी आवाज, माफी चाहूंगी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही, मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू है, कोशिश करिए। निशि रंजन मेरे साथ जुड़े हैं। निशि जी, क्या सवाल है, कहां से बात कर रहे हैं, रिया के सच या झूठ पर क्या प्रतिक्रिया है? चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ूं, क्योंकि कोशिश ये है कि आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही। एक बार फिर से जो भी टेक्निकल इश्यू है उसको ठीक कराने के बाद मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में हिंदुस्तान की आवाज बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। युवा क्या सोच रहा है, उनके फैंस क्या सोच रहे हैं, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ सुनेगा नहीं, हिंदुस्तान बोलेगा, क्योंकि उनकी आवाज बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सच कितना बोल रही है रिया, झूठ कितना बोल रही है रिया, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल जिनके सीबीआई के सवालों का इस वक्त सामना कर रही है रिया। हमारी सहयोगी, हमारे सुमित भी लगातार जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ चांदनी शाह जी जो कि एडवोकेट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले संजय गुप्ता जी आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी, सवाल ये कि जो अब तक एंगल निकलकर सामने आए हैं सीबीआई की जांच के बाद, चाहे वो ड्रग्स का एंगल हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल हो, क्या इन सब तथ्यों की तरफ मुंबई पुलिस जाना नहीं चाह रही थी या फिर इनको पूरी तरीके से कवर अप करने की कोशिश हो रही थी? आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर रही होती है तो ऐसा नहीं होता कि पार्टली अपनी इंक्वायरी को बताया जाता है कि अब हमने ये कर लिया। किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद ही तो क्या मुंबई पुलिस को ड्रग्स की जानकारी मिल गई थी? एक सेकंड, सुनिए, यहीं पर सुनिए। आपने कहा कि जानकारी पुलिस नहीं दे रही थी, क्या मुंबई पुलिस को ड्रग्स के मामले में जानकारी मिल गई थी? देखिए, मुंबई पुलिस के पास इस बात की जानकारी ना हो ऐसा तो कैसे हो सकता है कि मुंबई पुलिस के पास ये नहीं होगी, लेकिन क्या होता है कि किसी भी सिलसिले को जोड़ने के लिए कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं, कड़ियां जोड़ने के बाद एक जंजीर बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी अधूरी चीज को उसको बताया जाता है किसी को, तो ये जिस तरह मतलब संजय गुप्ता जी आपने बेहद बड़ा बयान दिया यहाँ पर, आप कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुंबई पुलिस की नाक के नीचे ये बड़ा गोरख धंधा ड्रग्स का चल रहा था, बॉलीवुड माफिया लगातार उसकी नाक के नीचे ये कर रहे थे, और पुलिस को भनक तक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, कहीं ना कहीं एक बड़ा सहयोग था खाकी का। नहीं, सहयोग किस लिए होगा खाकी का? आप दो तरफ बात ले जाती हो आप, कि मतलब खाकी जो है वो इन चीजों को रोकने के लिए, लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इलीगल है मगर फिर भी चलती हैं। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ आप, लेकिन ऐसा है कि हमारे देश के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इलीगल हैं, लेकिन फिर भी वो होती है, समाज में भी होती है। लेकिन संजय जी, समाज में होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहेगी? कितने लोगों को कवर अप किया गया, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहेगी? जब खुद रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि हाँ सुशांत की बॉडी में ड्रग्स था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल कर क्यों नहीं आया कि उसकी बॉडी में अंश था या नहीं था? इसके लिए उस कहिए ना उस डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं की पुलिस ने? पुलिस के लोग जब वहां पर मौजूद थे तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी साठगांठ की गई?
इसका जवाब लूंगी मैं, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। सुमित लगातार डीआरडीओ जो गेस्ट हाउस है उसके बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। बड़ी बहस लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बहस आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। उनका भी पक्ष लेंगे, उनके सवाल लेंगे, उनकी सोच क्या कहती है। रिया सच बोल रही है या झूठ, क्या छुपाया है, कितने राज बाकी हैं जो सीबीआई के सामने उगलेगी। तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं। चांदनी शाह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब ड्रग्स की बात सामने आई, रिया ने भी इस पूरे बात को कबूला है, तो क्या अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े नहीं होते कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें तो कहीं जिक्र नहीं है कि उनकी बॉडी में कहीं भी ड्रग्स के अंश थे, इसको कैसे देखा जाएगा? जी, पहली बात तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पहले से ही पोस्टमार्टम बहुत सारी गड़बड़ है। जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ही नहीं है डेथ का, जो कि बहुत ही वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि कितने बजे मौत हुई, इसपे से बहुत सारी चीजों का पता चलता है। सेकेंड थिंग, जो आपने बताया कि इसमें रिपोर्ट में कोई ड्रग्स नहीं है, तो इसलिए नहीं होता है कि कुछ घंटों के बाद ड्रग्स हमारी बॉडी में से निकल जाते हैं। लेकिन सिर्फ जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स में सबसे ज्यादा टाइम तक ड्रग्स रहते हैं, अराउंड 90 डेज। फॉर 90 डेज द ड्रग्स स्टे इन द हेयर फॉलिकल। एंड बाकी जो विसेरा रिपोर्ट वगैरह है, विसेरा रिपोर्ट में भी प्रॉब्लम यही है कि हमें ये जानना पड़ेगा अभी की जो रिपोर्ट है उसको, जो अभी की फैमिली है उसके डीएनए से मैच करना पड़ेगा कि कहीं विसेरा रिपोर्ट में भी तो कोई टेम्पर नहीं हुआ है। जी जी, ठीक है। इसमें क्या इस एंगल से भी जांच होगी, मैं इसका भी जवाब आपसे लूंगी। लेकिन इस बीच सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। सुमित, जरा अपडेट दीजिएगा, वक्त लगातार बढ़ रहा है, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। 8 घंटे तक जिस तरीके से कल शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, क्या रिया से कितने घंटे तक पूछताछ होगी, क्या खुलासे, क्या छुपा रही है, क्या राज सामने आ सकते हैं आज? देखिए, सौभी चक्रवर्ती से कल 14 घंटे की पूछताछ हुई थी और आज बताया जा रहा है कि लंबी पूछताछ चलेगी, मैराथन पूछताछ ये आज चलेगी, क्योंकि तमाम जो किरदार हैं वो उसके साथ रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं, प्राइम सस्पेक्ट मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूछताछ लंबी चलेगी। आप जिस तरह से पोस्टमार्टम और विसरा की बात कर रही थी, मैं आपको ताज़ा अपडेट दे दूं कि इसकी जांच रिपोर्ट जो है वो एम्स फॉरेंसिक टीम को दी गई है कि इस पूरे मसले की जांच करे। एम्स फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है आज रिपोर्ट सौंपने वाली थी, जो कि अब वो सोमवार को रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि जो एम्स की जो फॉरेंसिक टीम है उससे सीबीआई ने मदद मांगी है कि आप जांच कीजिए, क्योंकि जो विसरा रिपोर्ट है उसमें सुशांत सिंह का जो भी कंक्लूजन आया है वो निगेटिव है, यानी किसी भी तरह की जो टॉक्सिक पदार्थ है उसका जिक्र नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मसले पर जो है एम्स की फॉरेंसिक टीम जो है सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और एम्स की फॉरेंसिक टीम जो है उन तमाम डॉक्टर से पूछताछ करेगी जो सुशांत का पोस्टमार्टम उन्होंने किया था। तो निश्चित तौर पर अब रिपोर्ट जो है सोमवार को आएगी, उसके बाद तस्वीर क्लियर होगी। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल करीब 2.5 घंटे से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है, और उधर एनबीसी जो है अपनी जांच जो है वो तेज कर दी है, और फिलहाल एनबीसी के ऑफिस में जो मुंबई में वहाँ बैठक का दौर चल रहा है। तो निश्चित तौर पर सीबीआई कितने घंटे पूछताछ करती है आज, यह देखना बेहद अहम होगा। सवाल है सुमित, नजर बना के रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सुमित, आप नजर बना के रखिए, पल पल की अपडेट आप दे रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोग इस वक्त अलग अलग कोने से हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग मुंबई से भी हैं, बिहार से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, यूपी से भी हैं, अलग अलग स्टेट से हमारे साथ कुछ दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले उनकी एक बार प्रतिक्रिया लूं, उसके बाद मैं सुनील शुक्ला जी आपके पास लौटूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि इस पूरे मामले में अब जिस तरीके से जांच हो रही है, सीधा शिकंजा रिया पर, क्या खुलासे हो सकते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले जो दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे भी सवाल जवाब करना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पर वो क्या सोच रहे हैं, रिया कितना झूठ बोल रही है, कितना सच बोल रही है, ये मैं जानने की कोशिश करूंगी। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। श्रुति, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए, अनम्यूट करिए खुद को और बताइए कहां से बात कर रही हैं और क्या सवाल है आपका। श्रुति
मिलती है। आपकी आवाज नहीं आ रही, सुशांत सिंह से मैं जवाब लूंगी। सुशांत, इस पूरे मामले में बताइएगा, आप कहां से बात कर रहे हैं? रिया के झूठ या सच को लेकर आपके मन में क्या सवाल है, क्या प्रतिक्रिया है? जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं वो भी सुनेंगे, और जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे भी अगर कोई सवाल है तो पूछिए। सुशांत सिंह जी, बिल्कुल मेरा सवाल वही है कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ चल रही थी वो सामने निकल के आएगा, और ये काम पहले ही मुंबई पुलिस को करनी चाहिए थी, लेकिन उनके तरफ से यह कार्य नहीं किया गया, और अब उम्मीद है कि इस जांच के बाद बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा। और एक और लाइन में जोड़ना चाहूंगा कि कल एक चैनल का इंटरव्यू किया था, उस चैनल की पत्रकारिता पर भी हम लोगों को शर्म आ रही है कि कितनी ये गलत बात है कि आपने उस देखिए सुशांत मैं जब भी जुड़ती हूँ मैं ये कहती हूँ कि ये दर्शकों का क्या मापदंड है, ये चीजें कहीं ना कहीं सामने आ जाती हैं कि कौन कितना विरोध कर रहा है, कितने उसको एक्सेप्ट किया है। श्रुति मेरे साथ जुड़ी हुई है, श्रुति बोलिए, अपनी बात रखिए, कहाँ से बात कर रही है और क्या सवाल है? मैम मैं न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ, एक्चुअली राइट नाउ आई एम लिविंग इन राष्ट्रपति भवन। मैम माय क्वेश्चन इज़ द गवर्नमेंट आल्सो इन्वॉल्व्स टू इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग क्राइम एंड द रियल कल्प्रिट, बिकॉज देयर इज अ डीप इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर द एक्यूज्ड, बिकॉज माफिया ऑफ बॉलीवुड दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। बिल्कुल, मूवी माफियाओं का जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, और भी कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इन सारे सवालों का जवाब लूंगी। संजय गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, और भी कुछ दर्शक हैं जिनसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच मैं चाहूंगी सुशांत के बहुत करीबी दोस्त सुनील शुक्ला जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे भी चाहूंगी कि इन पूरे सवालों का जवाब लूं। सुनील शुक्ला जी, कल भी हम इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे और आपने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब रिया से पूछताछ होगी, ढाई से तीन घंटे का वक्त हो गया है, पूछताछ चल रही है। सवाल ये कि जिस तरीके से ड्रग्स मामले में अब जो खुलासा हुआ है, जहर की हकीकत, ड्रग्स की हकीकत बॉलीवुड से बेपर्दा हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या अब कुछ बहुत बड़े चेहरे जिनको बचाने की कोशिश थी अब वो सामने आएंगे, चाहे वो एनसीबी की जांच में हो चाहे सीबीआई की जांच में हो? पहले आप मैं एक एक करके खुलासा करता हूँ। जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है अननेचुरल डेथ है, अननेचुरल यानी कि या तो एक्सीडेंटल डेथ है कार के द्वारा, या सुसाइड होगा या मर्डर होगा। तो बिना सुसाइड नोट मिले पुलिस सीधी से सीधा इसको ओपनर शट केस कर दी सुसाइड बोलकर। उसका कारण क्या है बस बताता हूँ। जो शिवसेना के मेहरबानी और एनसीपी के मेहरबानी के द्वारा एक इम्तियाज निसार खत्री हैं, जो रिया के साथ 2017 से उनकी पहचान है, 2017 में फेमिना वुमन अवार्ड स्पॉन्सर करते हैं और उसमें विजय वीडियो जॉकी रहती रिया चक्रवर्ती, वो अवार्ड दे रही है। यानी इम्तियाज निसार खत्री पहले लाइफ में आते हैं, सुशांत के बाद में सुशांत आते हैं, और दोनों का कनेक्शन बताता हूँ। मुंबई पुलिस रिया को केवल नहीं बचा रही, उसके पीछे का बड़ा चेहरा मैं बताता हूँ, इम्तियाज निसार खत्री ये बॉलीवुड में इन्वेस्ट करते हैं पैसे, इनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, 29 साल के लड़के हैं, कोई थ्रेट नहीं है तो भी प्रोटेक्शन दिया गया है। ये निसार खत्री के बेटे हैं। निसार खत्री कौन है? जो एनसीपी के अजीत पवार साहब ने जो इरिगेशन स्कैम किया था बाल गंगा डैम का स्कैम में, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो थाना ने एफआईआर रजिस्टर किया, जिसमें निसार खत्री जो इम्तियाज के फादर है वो जेल जा चुके हैं, उनकी माँ जेल जा चुकी है, और ये जो सरकार है ये इनको बचाने की कोशिश करी। संजय गुप्ता जी, हो जाए ड्रग्स का एंगल खुल जाएगा तो जितने भी नाम मोबाइल अगर खंगाले जाएंगे इम्तियाज खतरी के, और संजय गुप्ता जी को रखिएगा जरा, इसमें शुक्ला जी के साथ खुला जाएगा कि महाराष्ट्र की जो सरकार है शिवसेना की, जिन्होंने प्रोटेक्शन दिया है अजीत पवार जी, गुप्ता जी जवाब दीजिए, अनिल देशमुख है उन्होंने, संजय गुप्ता जी बोलिएगा, ये नाम खुला ना हो जाए। मैं इनकी बात का क्या जवाब दूं? बात ये है कि ये तो किसी भी बात को बिना तथ्य के जोड़ने लग जाते हैं। अरे साहब, तथ्य आपको कहते हैं कि मैं सुशांत सिंह का जिम पार्टनर था, आप जिम पार्टनर थे तो मतलब संजय गुप्ता जी, क्या तथ्य आपको अभी नजर नहीं आते? चश्मा उतारिए सर, साफ करिए, उसके बाद देखिए क्या कहना चाहते हैं ये, जिसको आप कहाँ हो, क्या कहना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस सीधा सवाल ये है, और जो ड्रग्स देखते हैं उनको सपोर्ट करती है, ड्रग माफिया मूवी माफियाओं के साथ साथ बहुत बड़े चेहरे हैं जिनका शिकार हुए सुशांत, और उनको ही
बचाने के लिए पूरी तरीके से इस पूरे मामले को ऑपरेशन कवरअप चलाया गया मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार की ओर से। जवाब दीजिए। तो ये क्या ड्रग्स माफिया अभी आए हैं 4-6 महीने से ही? ये ड्रग्स माफिया क्या अभी 4-6 महीने से ही आए हैं जब से शिवसेना की सरकार आई है, या ये पुराने हैं? और ये सुशांत सिंह राजपूत के जो अपने आप को कहते हैं मैं जिम पार्टनर था, इन्होंने क्या जिम उनके साथ पार्टनरशिप में खोल रखा था? या वो जिम करने थे तो वहां जिम करने आते थे ये? ये तो ऐसे कहते हैं उनका दोस्त था कि जिम पार्टनर थे, उन्होंने जिम खोल रखा आधे पैसे लगा करके उनके साथ। निसार खत्री को पुलिस प्रोटेक्शन दिया है कि नहीं? पे तो ये है ना, पहले तो आप पहले तो आप कंसर्न आदमी हो, अगर मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत कहीं जाते थे, आप भी आते थे, आपका पार्टनर हो गए उनके? आदित्य ठाकरे ओपनिंग करते हैं। दूसरा निसार खत्री कौन है? किसके इवेंट में जाता है नहीं जाता है इससे क्या कोई? अरे आप अभ्यास करके आइए, आप अभ्यास करके आइए। नाम ले रहे हैं जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, और अजीत पवार अभ्यास करके, हम तो अभ्यास करके, और आप जो बिना अभ्यास के आए हुए हैं, निसार खत्री के, निसार खत्री के बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? जिम्मेदार हो सकता है उनकी मौत का? क्या वो अपराधी साबित हो गई है क्या? फेवर में बात नहीं की, नहीं आप अपने विषय में तो बताते नहीं हो। केस में से संजय गुप्ता जी फेवर नहीं किया, जरा मुझे बताइए कि संजय राउत कितनी बार मिले थे सुशांत सिंह राजपूत से? बताइए कितनी बार चाय कॉफी पी उन्होंने? कैसे पता चला मानसिक रूप से बीमार थे? रिया से मिलते थे, सुशांत से मिलते थे? किन से गहरी दोस्ती है? आप कह रहे हैं कि कौन बचा रहा है? ओपन एंड सेट मामला कर दिया मुंबई पुलिस ने, संजय राउत क्लीन चिट देने पर उतारू हो गए, लेकिन जब पता चला कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब तो सामने आएंगे ही आएंगे। कर दिया गया होता तो केस शुरू में ना बंद कर दिया सर? आपने नहीं दिया ना, आप बार बार महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया ना? यहाँ पर लोग कहते हैं सहयोग तो सहयोग। अरे सर जब आपको पता था, सिर्फ जब आपको पता था कि सही दिशा में जांच चल रही है तो बिहार पुलिस के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया था उस वक्त? अगर कोई अपनी ऑब्जर्वेशन भी नहीं दे, डर था ना सर? बिहार पुलिस तो उसका तो कोई तालुक, और आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि ये ड्रग माफिया तो बहुत पुराने हैं बॉलीवुड में, आप ही कह रहे हैं तो आते ही आते ड्रग माफियाओं का सफाया क्यों नहीं कर पाया? क्या आप 6 महीने से कहते हैं कि सरकार जब से आई, सुशील शुक्ला ये कहते हैं 6 महीने पहले शिवसेना की सरकार है तब से ड्रग्स माफिया आ गए, तो क्या ड्रग्स माफिया 6 महीने से आए हैं यहाँ पर? कभी आप तो इससे पहले भी रहे ना, आप तो इससे पहले भी सत्ता में मलाई तो चखते रहे ना, अछूते तो नहीं रहे आप? और इतने महीने से चलिए आप कह रहे हैं कि ठीक है पहले हम सत्ता में नहीं थे, हम तो बाहर से मलाई खा रहे थे, लेकिन जब आप सत्ता में आ गए तब भी आपको पता चल गया तो आपने क्यों नहीं सत्ता? अगर आपकी सरकार में हिम्मत है तो इम्तियाज निसार खत्री को बुलाइए, उसका मोबाइल खंगालिए, दया नायक को सामने केस दे दीजिए, दया नायक पूरा खोल के निकाल बता देंगे और उसके कारण आपकी सरकार गिर जाएगी। बात समझिए, आप लोग क्यों नहीं जांच कर रहे हो? आप लोग रिया को नहीं बचा रहे हो? रिया को बड़ी आपके लिए आप वो कनेक्शन बताना चाहते हो जो आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं? मतलब ले तो सीधा सरकार में हुए एपी सिंह जी। अच्छा दूसरा सर्टिफिकेट को सर मत लाइएगा मेरी डिबेट में, ऐसे सर्टिफिकेट देने का अधिकार मैं यहाँ किसी मेहमान को नहीं देती सर। नहीं आप ये बताइए कौन बीजेपी का है, कौन शिवसेना का है, इसका सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे ना सर? अगर कोई भी सुशांत के मामले में रिया पर सवाल खड़ा करता है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी का है? क्यों लगता है आपको? आपको क्यों लगता है? रिया पर सवाल खड़ा करे, सुशांत पर सवाल खड़ा करे तो सरकार में सवाल खड़ा करते हैं। अरे सर क्यों नहीं करेंगे? सवाल खड़ा करते क्यों नहीं करेंगे? सरकार में सवाल नहीं करेंगे? ये वही सरकार है ना जो रिया को क्लीन चिट दे रही है? अरे सामने से वही सरकार है ना, सत्ताधारी पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि मीडिया इवेंट बना रहा है किसी को भी। अरे आप खुद बोलते थे अबला ना रही है, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया, बता दूं किसी को क्लीन चिट नहीं दिया। आप मीडिया में क्या बोलते रहते हैं? किसी को क्लीन चिट नहीं दिया पुलिस ने। अरे अबला ना रही है। एपी सिंह जी
एपिसेंट जी, गुप्ता पीसना के वक्ता रिया चक्रवर्ती को अबला नारी बोल रहे थे। एपिसेंट जी सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से बयानों में मतभेद नजर आया अब तक, और जिस तरीके से अब एनसीबी और सीबीआई में दोनों की बात करूं, कितनी मदद एनसीबी की जांच से सीबीआई को होगी इस मामले में? ये आप जो आप लार्जर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो ड्रग का बॉम्बे में या बॉलीवुड क्या हो रहा है, वो जरूर करेगी, डिटेल में करेगी। पर जहां तक इस केस से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड या मर्डर से जो कनेक्टेड है, तो ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये तो बिस्रा रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट, कब की ये ऑल इंडिया एक्सपर्ट आएंगे। मैंने तो आपको पहले दिन से बोला था कि ऑल इंडिया आएंगे इसमें जरूर, वो जो बतलाएंगे कि उन्होंने कोई ड्रग्स लिए थे या नहीं लिए थे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा केस के। और बाकी तो जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे थे या नहीं, तो वो तो फिर जो स्टाफ है कि अभी क्वेश्चनिंग कर रही है, अब जो अक्यूज है उनकी जब क्वेश्चनिंग होगी तो ये बात निकलेगी जरूर, क्या ड्रग। और जो ये डॉक्टर्स हैं जो साइकाइट्रिस्ट के पास अलग से उनको दिया जा रहा था। ठीक है सर। चांदनी शाह जी, मैं ये समझना चाहूंगी इस पूरे मामले में आपसे कि जिस तरीके से रिया की चैट ड्रग्स मामले को लेकर सामने आई है, ऐसे मामले में अगर दोषी पाया जाता है ये चैट, ये तमाम तथ्य अगर सही साबित होते हैं, तो इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे प्रावधान रहता है कार्रवाई का? अगर जी, पहली बात तो इस केस में कस्टोडियल इंटरोगेशन अब बहुत ही जरूरी हो चुका है, और तीन सबसे बड़ी जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी और अब एनसीबी भी इसमें जुड़ जाएंगी। जहां तक मुझे पता है एनसीबी ने ऑलरेडी केस रजिस्टर कर दिया है सेक्शन 20, 22, 27 और 29 के तहत। इन सब में 20 इज फॉर मैरिजुआना का सेवन, 22 ट्रांसपोर्ट और सेलिंग ऑफ मैरिजुआना, 27 और 29 सेम थिंग बट फॉर हार्ड ड्रग्स, कोकेन एंड अदर थिंग्स। सो इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है दैट इज अराउंड फॉर 10 years ऑफ लाइफ, एंड मिनिमम इज अगर कोई धोखे से ड्रग्स देता है तो उसमें क्या धारा, क्या कार्रवाई? बहुत छोटे शब्दों में चाहूंगी। अगर धोखे से अगर किसी शख्स को ड्रग्स दिया जा रहा है, इसमें क्या कार्रवाई? जी, आईपीसी सेक्शन 275 इज फॉर इलीगल यूजेज ऑफ ड्रग्स, 274 और 275, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इट फॉर इलीगल यूजेज ऑफ ड्रग्स, जो कि आप किसी और को भी दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत सारी धाराएं लगती है। इनफैक्ट किसी और को एडमिनिस्टर करना बिना उसकी जानकारी के, ये एक बड़ा क्राइम है, exactly. बहुत शुक्रिया आप सभी का। संजय गुप्ता जी, ये जो चैट सामने आ रहे हैं ना, ये मुंबई पुलिस को दिखाई नहीं दी या फिर इस चैट को देखना चाहा ही नहीं कि कहां से ड्रग्स सप्लाई हो रही है, क्या कुछ चल रहा है मूवी माफियाओं में, बॉलीवुड में, और कहीं ना कहीं एक बड़े कॉलर है, सफेदपोश चेहरे भी हैं जो उजागर होंगे। अब आपको बता दें कि सीबीआई में लगातार पूछताछ चल रही है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने फरीदाबाद में सुशांत के परिवार से मुलाकात की है। इस पूरे मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर, सुशांत की हत्या के पूरे मामले को लेकर, हत्या का शक, परिवार को इंसाफ मिले, ये कहा है रामदास अठावले ने। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है, की हत्या है, इसके बारे में इंक्वायरी हो रही है, और हमें डाउट ये है कि भाई उनकी हत्या हो गई है, कोई दिव्यांग ने उनको फंसा कर उनकी हत्या की होगी। तो उसी तरह मतलब हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग मैंने सबसे पहले की थी, और इसीलिए मतलब अभी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, और के सिंह साहब को हमने बताया कि भाई हम आपके साथ हैं। तो रामदास अठावले ने मुलाकात की है, कहा है कि ये एक हत्या है, आत्महत्या नहीं, हालांकि सीबीआई जांच कर रही है, सामने आएगा,
तथ्य पूरी तरीके से सामने आएंगे। सवालों के जवाब इस वक्त रिया दे रही है, जैसे ही अपडेट आएगी इसे हिंदुस्तान सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे दें, खबरों से अगर आप हर वक्त अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको हर वक्त अपडेट रखने के लिए जी हिंदुस्तान आपके लिए मोबाइल ऐप लेकर आया है। गूगल प्ले स्टोर में आपको जाना है, आप इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। देश प्रदेश दुनिया अपने शहर राजनीति खेल समाज अपराध सहित हर तरह की खबरें हमेशा आपको अपडेट रखने के लिए इस ऐप में हमने कई स्पेशल फीचर्स भी दिए हैं। ये मोबाइल ऐप आपको आपकी भाषा में अपडेट करेगा। हम इस ऐप को आपके लिए 5 भाषाओं में लेकर आए हैं, जरूर डाउनलोड कीजिए जी हिंदुस्तान का ये मोबाइल ऐप और हर वक्त रहिए खबरों से वाकिफ। नमस्कार।